तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की बज रही है आज 8:30 और हम सोए थे, फिर पता चला कि खुशी के एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल भी है। तो अभी पापा से बात करी हमने, एक पापा मैं घर पे आ रहा और रूम खाली कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे हैं और अब मतलब घर पर भी आना ही बोल दिया मैंने, तो ठीक है आ जाए बोल रहे। तो पैकिंग हो रही है गाइस, पूरी पैकिंग हो गई है, मतलब हुई नहीं है, अभी उठे ब्रश भी नहीं करा है, बट धीरे 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 पैकिंग कर लेते हैं, दिन उसके बाद तैयार कर पे, यही है आज। तो आज के ब्लॉग में ऑन द वे होम, ठीक है ब्लॉग के साथ बने रहे, चले मोटे घर पे, इशारा नहीं हाँ यूं बोल, हाँ ऐसे इशारा क्या होता है। तो गाइस फाइनली मैं तो तैयार हो गया हूँ, बट खुशी तैयार हो रही है, और हम दोनों के यार बहुत सारे सपने थे मोटे, बहुत सारे सपने थे यार अपने, बहुत पूरा उदयपुर घूमने के लिए था यार, बट क्या कर सकते हैं, आएंगे उसी दौर में वापस कभी उदयपुर घूमने के लिए। मेरे को सज्जनगढ़ भी जाना था, और भी मतलब उदयपुर में बहुत सारी जगह है, वहाँ पर जाना था, और कैमरा भी नहीं है, बाइक भी नहीं है। अब वापस उदयपुर तभी आएंगे जब अपने पास कैमरा भी होगा और अपनी वाली बाइक भी होगी, लिख के दे देते, लिख के नहीं ब्लॉग में बोल दिया मैंने। तो अब नेक्स्ट बार उदयपुर आएंगे तब उस टाइम गाड़ी भी रहेगी और कैमरा भी रहेगा और फोन भी। अब ये छोरी तैयार हो रही है, मैं तैयार हो गया हूँ, बाकी सामान भी दिखा दूँगा आपको, ये चक्कर सामान, बस यही सीन है यार। तो निकलते हैं थोड़ी देर में और सामान तो हम बस में ले जाएंगे, 11:30 बजे बस है, और 11:30 बजे बस है, तो 6 बजे कुछ हमने 5 या 4 बजे कुछ हिमलवाड़ा उतर दिए, मतलब पेट, तो मेरे पापा को बोल दिया है सामान लेने के लिए आ जाना, तो कार लेके आ जाएंगे, तो हम भी पहुंच जाएंगे बस के पीछे पीछे चले जाएंगे, बस ये अभी नहाए जब उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। A few moments later. Finally guys, सामान रेडी हो गया है, ये लड़की भी रेडी हो गई है, तो निकलते थोड़ी देर में, अज्जू भी वो आ रहे हैं सामान रखने के लिए, विशाल और अर्जुन आएंगे, सामान तो बहुत सारा है हमारे पास, ये चेक करो इतना ही सामान है, इतना। हेलो हाय गाइस, कुछ बोलना चाहोगी? नहीं, हाँ हम लड़ाई करे बिना घर जा रहे हैं आज, क्योंकि हर टाइम हमें लड़ाई होती थी और शाम तक हो जाता, पर कभी घर पे नहीं गए, और आज तो लड़ाई करे बिना जा रहे हैं, और खाया खाना भी कुछ नहीं खाया, बस नाश्ते के, ऐसे भी केस खत्म हो गई, टाइम पे खत्म हुई, शाम को ही केस खत्म हो गई कि फिर छोड़ो, फिर केस भी खत्म हो गई, खाना बन गया उसके बाद ही खत्म, अच्छा हुआ है, रात को मेरे को भूख लगी थी, अच्छा तो बोलना चाहिए था ना, मैं नहीं बताऊंगा, सब वो आएंगे देन उसके बाद निकलते हैं, और गाड़ी भी बाहर खड़ी है, तो फिर मिलते हैं यार, हम कब मिलेंगे, मेरे पास फोन भी नहीं है, बात कैसे करूंगी, गाइस अपने फ्रेंड के पास फोन भी नहीं है। उनके लिए वो बोल रहा था, मैं भी आ रहा हूँ, तो इसलिए इसमें मैं कैसे लग रही, चप्पू लगी होगी मैं पता है, इसलिए मैं ऐसा कर देती हूँ, बुरा लग रहा है यार। सो गाइस हम केसरी जी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और इधर ये बैक साइड में देखो ट्रक कहाँ घुस गया है, ये चेक कर सकते हैं आप, और ये हम दोनों, और ये हमारा सामान।